सिद्धराबाजी, ये साल आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है और आपकी 3 सेंचुरियाँ इस साल हुई हैं और आपकी हैं भी ODI में 3 सेंचुरीज, तो कैसा देख रही हैं, क्या तैयारी करती हैं और क्या फ़र्क है पिछले सालों में और इस साल, जो क्या आपकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी हो रही हैं वनडे में? मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले भी मेहनत करते थे, लेकिन शायद जब मैच के अंदर जाते थे तो उतना अपने आप को बैक नहीं करती थी, लेकिन ये जो इस साल अपने आप को काफ़ी मैंने बैक किया है और अपनी मुझे चीज़ों पे ट्रस्ट था कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो इसको मैचेस में भी करूँ। और डेफिनेटली जो मैंने अपनी बैटिंग में मज़ीद अप्रोच चेंज की है कि हर बॉल मैंने रन के लिए ही सोचना, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प आउट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे ईयर काफ़ी अच्छे हुए हैं और मेरे भी रिकॉर्ड बने हैं और पाकिस्तान टीम के भी रिकॉर्ड्स बने हैं, सबसे अच्छी बात है। अच्छा मुनीबा, मैंने आपसे ये पूछना है कि आज आपकी मेडन सेंचुरी थी तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच के गई थी आप? बस शुरू में यही था कि स्टार्ट लेना है, पार्टनरशिप बनानी है, जो हमारा प्लान होता है पहले 10 ओवर का, तो मोमेंटम हमारे हाथ में था और पिच भी काफ़ी अच्छा था बैटिंग करने के लिए, तो कोशिश यही थी जितना लंबा जाए। फिर जब 50 हुई और ज़्यादा स्कोर बना तो बस कोशिश यही थी कि मैक्सिमम रन्स पे जाऊं और उसमें हेल्प हुई। सिद्धराबाद जी, आपका ये इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान की तरफ से, तो इस सीरीज़ में आपने क्या सोचा हुआ है और क्या करना है आगे के मैचेस में और किस तरह से अप्रोच करनी है आगे के गेम्स के लिए? बस आई एम वेरी हैप्पी और 100 के बाद तो आपको पता है कि फिर कुछ बचता नहीं है, तो मेरा ये था कि मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम लेने जाने रन और उससे मुझे काफ़ी हेल्प आउट भी मिली और मैं कहती हूँ कि बाहर से जो एनवायरनमेंट था वो भी मुझे बहुत पुश कर रहा था। बिस्मा ने मुझे बड़ा बैक किया, टीममेट्स हैं वो बार बार यही आके कह रहे थे कि जी आपने अब लंबा जाना है, खेलो, बस रिकॉर्ड्स बनाने पर जाओ। तो मैं कहती हूँ अगर मेरा रिकॉर्ड बना है तो बैक हैंड पर जो लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे उनको भी क्रेडिट जाता है काफ़ी। शाह मुनीबा, मैंने ये आपसे पूछना था कि आप फर्स्ट टाइम कजाफी में खेल रहे थे तो आपने इंडिविजुअल सेंचुरी किया, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी और ये आप अपना 100 किसको डेडिकेट करेंगे? बिल्कुल, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मैं पाकिस्तान में सेंचुरी ज़रूर करूं और नेशनल स्टेडियम और गद्दाफी स्टेडियम में ज़रूर करूं, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे सेंचुरी करके और टीम को भी काफ़ी हेल्प हुई, और मैं ये सेंचुरी अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहन को ही डेडिकेट करूँगी। आपका ये भी ये सेकेंड मैच है गद्दाफी में वनडे, तो आपने उसी में भी सेंचुरी कर दी और ये आपका होम टाउन भी है, तो आप किसको डेडिकेट करेंगे और क्या फीलिंग्स थी आपकी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं कजाफी में खेलूं सबसे ज़्यादा, और जब स्टोरी लंबी हो जाएगी, एक बीबी कप हुआ था उसमें मैं इंजर्ड होगी, मैं आउट होगी, लेकिन तब से मेरी चाह थी। और एक मैं मज़ीद एक बुरी चीज़ भी ऐड करती, जो 2019 में बांग्लादेश यहाँ आई थी वो मेरा टूर बहुत अच्छा बुरा रहा था और मैं उसके बाद मतलब ड्रॉप भी हुई, कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप हुई, सो मेरे माइंड में यही था कि मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है, सो मैंने वो वाला रिपीट नहीं करना, अच्छा रिपीट करना ताकि मैं याद रखूँ और जो देख रहे हैं वो याद रखें। और उसके अलावा मैं अपनी स्कोर उन लोगों को डेडिकेट करूँगी जो मेरे अप्स एंड डाउन में साथ रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि सब ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन पेरेंट्स आपका साथ नहीं छोड़ते। और उसके अलावा टीममेट्स, कैप्टन, जैसे कोच कैप्टन आपको बैक करता है मैचेस दे दे के कि नहीं यू आर द बेस्ट प्लेयर तो अंदर जाओ अच्छा खेलो, सो मैं ये कहती हूँ। और उसके अलावा फिजियो, कोचेस, मेरे फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ देम ना इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ मैं उन सबको डेडिकेट करती हूँ।